हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेरी ये ब्लॉग। बाहर से घूम के हम लोग होटल आ ही नहीं पाए और देखिए बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश होने वाली है और हम लोग होटल में आई थिंक 5 या 10 मिनट पहले ही पहुँचे हैं और अभी से बारिश शुरू हो चुकी है। सो दिस इज़ आवर रूम, ऑलरेडी मेस्ड अप हो चुका है लेकिन मैं फिर भी दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा रूम था और रूम के बाहर जो बालकनी था उसका तो व्यू मैं क्या ही बताऊँ। सो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। अभी हम लोग दोपहर का लंच करने के लिए आए हैं लेकिन हमें क्या पता था कि इसके बाद रूम पे हमारे जो होटल है वहाँ पे लाइट ही नहीं रहेगा बिकॉज़ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना। उसके बाद जो सिचुएशन था वो मैं क्या ही बताऊँ। लाइट सुबह तक नहीं था तो कुछ भी करके हमने एडजस्ट किया। तो सच बताऊँ मैं काफ़ी सारे हिल स्टेशन पर गई हूँ, बट दार्जिलिंग गई हूँ, कश्मीर गई हूँ, लेकिन इन लोगों का जो बिहेवियर है ना बहुत ही अच्छा था। ये रहा दोपहर का लंच। अंडा करी, दाल और आलू का भरता था और थोड़ा सा एक भाजी था, बट ये कॉमन खाना है। ये हर रोज़ प्रोवाइड किए थे यहाँ पे ट्रिप पे, और दोपहर के टाइम पे एग देते थे, रात के टाइम पे चिकन। रूम पे आके थोड़ा बहुत मैंने वीडियो वगैरह बना के मैं सो चुकी थी बिकॉज बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही थी। और फिलहाल अभी अनुषा को घर पे छोड़ के हम तीनों निकल चुके हैं। गाइस, हम लोग चले आए हैं घूमने। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक्चुअली सुबह का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, अभी शाम के टाइम पे मैं अभी सो के उठी हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल, जाएंगे नहीं, जा रहे हैं हम लोग मोमो वगैरह खाने के लिए। देखते हैं मिलते हैं कि नहीं, बिकॉज यहाँ का तो पूरा पता नहीं है कहाँ पे मिलता है क्या नहीं, बट जा रहे हैं। और थोड़ा सा चढ़ाई है, मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ का जो होटल रूम का जो बाहर का व्यू है ना, मैं बातें में थक जा रही हूँ बिकॉज चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन व्यू बहुत ही प्यारा है। मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाती हूँ। हाई अल्टीट्यूड में जवाला का मन होती ना, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर माथा की जवाला की। तो আমি বললাম কি দেখো ওই বাচ্চা তো তুই তো বললি আরো চলো। ও মানে কিছু খেতে এসেছিল। ভাই ইলেকট্রিসিটি বিল তো আসবে না, কমই আসবে ভাই। সো গাইস, দিস ইজ আওয়ার সেকেন্ড ডে ইন আরিতা। আমি ফিলহাল হাম লোগ হাম হামারা জো জার্নি হ্যায় না ও স্টার্ট হুয়া থা 21st কো, अभी फिलहाल चल रहा है 23rd और कल से पूरा शुरू हो जाएगा हमारा जो भी जर्नी है। और आज हम लोग बस दो ही स्पॉट कैप्चर कर पाए और बाकी का जो है कल से पूरा हमारा जो घूमना वगैरह है जो भी सब कुछ है कल से स्टार्ट होगा। और हमारे कंपनी देने के लिए बहुत देर से हमारे पीछे ही चल रहा है।
और यहाँ पे फिलहाल मेरा भाई है और पीछे अनुषा के पापा है और हम तीनों ही निकल चुके हैं फिलहाल मोमो ढूंढने के लिए। लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं दिख रहा है, पता नहीं कब तक मिलेगा। चलते ही जा रहे हैं और आपको शायद लाइटिंग देख के लग रहा होगा बहुत ही धूप है या रोशनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, बहुत ही अंधेरा होने वाला है। और मुझे लगता है जब तक हम लोग रिटर्न करेंगे ना पूरा अंधेरा हो चुका होगा। तो मैं बोल रही हूँ कि रिटर्न कर जाए, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, ये बोल रहे कि जब हम लोग आए हैं मोमो खा के ही जाएंगे। देखते हैं कितना देर तक हमें मोमो मिलता है और अगर पॉसिबल हुआ तो ऐसे ही पैदल ही आएंगे, बिकॉज़ मुझे पता है अंधेरा हो चुका होगा। और नहीं तो हम लोग ड्राइवर को कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे तो लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, कि अंधेरा हो जाए तो लाइट जल जाएगा। तो देखते हैं कब तक मिलता है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। एक्चुअली अनुषा के पापा बोल रहे थे अनुषा के लिए कुछ चॉकलेट वगैरह ले ली, बट मैं मना कर रही थी क्योंकि अभी तक उसने लंच भी नहीं किया है। ना 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 ना, मैं एक ही सकल तक भात खाई नहीं, उल्टो पाल्टा माँ बका दे खावा ले। बिस्कुट नहीं तो के दीची जिनिस मोमो यहाँ पे हमें मिल चुका है। एक्चुअली हमने पैक कर लिया है बिकॉज बहुत ही टाइम हो चुका है और हम लोग सुबह के टाइम पे जहाँ पे आए थे वहाँ पर ही आना पड़ा बिकॉज यहाँ पे तो मोमो नहीं मिल रहा था फिलहाल रस्ते पे कहीं पर। तो देखते हैं घर पे जाके कैसा टेस्ट है। हाँ, मोमो का जो हम लोग को वहाँ पे चटनी भी मिलता है, सूप भी मिलता है, बिकॉज यहाँ पे फिलहाल नहीं है सूप। और देखते हैं घर पे जाके, अभी मेरे होटल पे जाके टेस्ट वगैरह कैसा है। सो एट लास्ट हमें मोमो तो मिल चुका है, ये देख सकते हैं, बट पूरा अंधेरा हो चुका है पूरा, बिकॉज आपको शायद मेरे फ्रंट कैमरे में, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन नहीं दिख रहा है, पूरा रोशनी दिख रहा होगा लेकिन पूरा अंधेरा हो चुका है और चराई में बहुत ही दिक्कत हो रहा है फिलहाल। और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं होटल, बट मिशन मोमो का कंप्लीट हो चुका है और मोमो के साथ सूप नहीं मिला है फिलहाल हमें, ये मुझे बहुत ही बुरा लगा। मुझे सूप बहुत पसंद है मोमो के साथ, बट देखते हैं कैसा टेस्ट है होटल पे जाके। फिलहाल मैं थक रही हूँ पूरा चलने में, बिकॉज चराई बहुत ही ऊँचा है। मैं आपको सामने का जो व्यू है दिखाती हूँ, आप देखिए फिलहाल दोनों पीछे हैं। मैंने बहुत बार बोला था कि ज़रूरत नहीं है जाने की इतने दूर, बट नहीं सुने। अभी पता चल रहा है कि कितना तकलीफ़ होता है इतना चल के जाने में। अगर प्लेन रास्ता होता कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो देखते कब तक पहुँचते हैं। सो मेरे रूम के जो खिड़की है वहाँ से मैं पहाड़ का नज़ारा दिखा रही हूँ। मैं शायद फ़ोन में कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारा था। रात में पहाड़ में अगर लाइट वगैरह जले तो बहुत ही प्यारा लगता है। फिलहाल दोपहर के टाइम पे अनुषा जिस फिश को फीड करवा रही थी वो मुरमुरा घर पे भी लेके आई है। फिलहाल मेरे फ़ोन के ट्राईपॉड से वो फ़िलहाल मुरमुरा ही खा रही है, बट उसको मना करो तो वो सुनती कहाँ है। सो ये रहा मोमो जो मैं लेके आई थी इतनी दूर से। फिलहाल इसके साथ कोई भी सूप हमें नहीं मिला, सिर्फ चटनी मिला था। और सूप मुझे बहुत पसंद है और मोमो भी मुझे स्टीम ही पसंद है। फिलहाल मैं एक्साइटेड थी खाने के लिए और चटनी का कलर भी थोड़ा डिफरेंट था और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। आई कांट इवन इमेजिन कितना मैं ख़राब बोल सकती हूँ। फिलहाल अभी हम लोग मोमो टेस्ट ही कर रहे थे, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप जाके ये टेस्ट करें जो आरितार के लेक के सामने स्टॉल लगा होता है, दुकान है। सो दोपहर से ही हमारे रूम पे लाइट वगैरह नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ लाइट का, उसके बाद मुझे फ़ोन को भी चार्ज में डालना है।
सो ऐसे ही हम लोग गुड नाइट करते हैं आप सभी को। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का दिन भी बहुत ही अच्छा गुजरा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सो सी ऑन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।